अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में 4,000 रुपये महाना इमदाद का ऐलान। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले गरीब अफराद में ये रकम तकसीम की जाएगी। सहूलत से मुस्तफीद होने के लिए वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म पुर करें। इस हवाले से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड भी की जा सकती है। मोबाइल सार्फीन मैसेजेस के जरिए भी मदद तलब कर सकते हैं। इमदाद लिख कर शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और नाम 8070 पर भेजें। जो लोग इंटरनेट के इस्तेमाल नहीं जानते वो दूसरों की मदद से फॉर्म पुर करें। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन हिफाजती इकदामात। चीफ एडमिन ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी DIG कामरान खान ने अपने वीडियो मैसेज में कहा है कि आवाम की हिफाजत के लिए सेफ सिटी का अमला अपना काम कर रहा है। सेफ सिटी के अमले की हिफाजत के लिए हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर और स्प्रे समेत दीगर इकदाम किए गए हैं। चीफ एडमिन ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान ने फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ बरसरे पेकार डॉक्टर्स, पुलिस और आर्मी फोर्सेस को खराज तहसीन भी पेश किया। इस क्राइसिस के मौके पर जितनी फ्रंटलाइन फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, मैं ख़ास तौर पे अपने मेडिकल दोस्तों का, डॉक्टर्स का, उनके स्टाफ का जिक्र करना चाहूँगा, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि इस क्राइसिस के मौके पे जिस तरह वो अपनी जानों को दाव पे लगा के खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अजर देगा। इसके अलावा पुलिस बाहर सड़कों पे है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, 112 है, और जो सैनिटेशन ये इस हवाले से सर्विसेज बाहर अपने आप को एक्सपोज करके अपने आप को और अपने ख़ानदानों को, अपने घरों को दाव पे लगा के सर्विस दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अजर दे, उनको महफूज रखे, उनकी हिफाजत फरमाए। झूठी खबरों पर ध्यान न दें। कोरोना वायरस के हवाले से मालूमात के लिए मुस्तनद ज़राए पर यकीन करें। वफाकी हुकूमत ने शहरियों को कोड 19 के हवाले से मालूमात की फराहमी के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन मुतारिफ करा दी है। शहरी 0300-111-1166 पर हाई लिखकर 7 जुबानों में अपडेट हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज 15 लाहौर में 1067 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 1829 जाली कॉल्स थी। इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेंटर से 11 पुलिस ऑफिसर्स ने राबता किया। 4 लोगों को शवाही दिए गए। 1 कार और 44 मोटरसाइकिल्स चोरी की कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से मुतादद को ढूंढ लिया गया। 6 ब्लैकलिस्ट गाड़ियां पकड़ी गईं। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद सुहेल चौधरी ने ऑपरेशन विंग फैसलाबाद SSP सैयद अली रजा को अच्छी कारकर्दगी पर तारीफी लेटर से नवाजा। SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा की जेर निगरानी फैसलाबाद पुलिस के ऑपरेशन विंग्स ने 7067 इश्तिहारी गिरफ्तार किए। नाजायज असलहा रखने वाले 2790 मुलजमान, 3070 मनचियात फरोश, 936 जवारी और 1238 पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया। इसी तरह 79 गैंग्स के 307 मेंबरान को गिरफ्तार करते हुए 5.5 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका भी बरामद किया। फैसलाबाद की गुमशुदा सदफ उर्सा के हवाले। परेशान हाल सदफ गुलाम मोहम्मदाबाद में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई, घर का पता याद न होने की वजह से गुम हो गई। डॉल्फिन टीम नंबर 8 को डाइवो रोड पर सदफ रोती हुई मिली। डॉल्फिन टीम ने वालिदैन तलाश करके गुमशुदा बच्ची को उनके हवाले कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी की फैसलाबाद पुलिस के हमरा खुड़लियावाला के इलाके में नाका जात पर चेकिंग। शहरियों को कोरोना से बचाओ और दफा 144 के मुतालिक ब्रीफिंग। पाक फौज और फैसलाबाद पुलिस की तरफ से शहरियों में मास्क तकसीम। वाली मॉडल थाना सिटी पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब 6 साल पुराना एक कैटेगरी का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इश्तिहारी सलीमुल्लाह मॉडल थाना सिटी को 2014 से मतलूब था।
DPO मियांवाली हसन असद अलवी ने इस कामयाब कार्रवाई पर पूरी टीम को शाबाश दी। ये थी हफ्ते की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।